नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष श्री राधेश्याम कुंभकार जी के निज निवास अरेरा कॉलोनी में प्रजापति कुंभकार विकास महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न हुई। आपको बता दें कि इससे पूर्व रात्रि में सुंदरकांड का आयोजन हुआ और प्रसादी वितरण की गई, वही रविवार सुबह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश भर से प्रजापति समाज के पदाधिकारी गण शामिल हुए। वही बैठक से पूर्व सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर अतिथियों का तिलक लगाकर पुष्पमाला पहनाकर एवं पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद उपस्थित सभी अतिथियों का उद्बोधन भी हुआ, जिसमें प्रजापति समाज धर्मशाला उज्जैन को लेकर कई विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान समाज के विकास के लिए कई रणनीति बनाई गई और उज्जैन में स्थित प्रजापति समाज की धर्मशाला को लेकर कई विषय पर चर्चा की गई एवं भोपाल में छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन पर भी चर्चा हुई। सफल आयोजन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम कुंभकार ने आभार प्रकट किया। देखिए मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। सभी प्रजापति समाज बंधुओं का, मैं राधेश्याम कुंभकार प्रजापति समाज के नाते आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे विशेष अतिथि हमारे समाज के गौरव जितेंद्र जी जो अभी पदोन्नति हुए हैं और हमारे समाज को, जैसे हमारा एक कोई भी घर का, परिवार का या मोहल्ले का या समाज का व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो हर दिल के अंदर एक गुदगुदी होती है और बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही हमारे दिनेश जी के लिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि स्वागत करें। हमारे काम में भी कमी नहीं होना है। अध्यक्ष जी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी टीम बहुत मजबूत है। मैदान में सभी तरह के खिलाड़ी हैं आपके पास में, कानून के ज्ञाता, राजस्व के ज्ञाता, हर तरह के ज्ञाता, उनका उपयोग करना है आपको। कहाँ किसका उपयोग किस जगह पर लेना है, किस खिलाड़ी को किस जगह पर लगा के आगे बढ़ाना है, टीम को जिताना है, आपका दायित्व है और आपकी ये सोच भी है कि मेरे को करना है। हम लोग निश्चित रूप से आपके साथ में हैं। रही धर्मशाला की बातें, उज्जैन की परिस्थितियां पिछले 4 साल पहले और विगत 1 साल पहले जो थी आज वो बहुत परिवर्तित हो चुकी है। आप जो 4 साल पहले या 3 साल पहले आपने जो सोचा हुआ जिस जमीन को आज मैं खरीद लूं वो उसके 10 गुना रेट में पहुंच चुकी है, निश्चित सत्यता है। और आज जो है वो अगले सिंहस्थ तक वो लगभग 10 गुना जाता है।